बहुत खूबसूरत सा केला। बातों को लेके गाइस मैं आज बहुत ज्यादा छोटी, काफी बड़ा है। वैसे मैं हूँ नहीं, क्योंकि मैं हूँ मेरे माँ बाप ने छोटी लड़की पैदा की। यहाँ पे भी आवाज़ और हाँ, हमने फोटो खिंचवाने के बाद बहुत ही खूबसूरत नजारा यहाँ का, काफी ज्यादा डिजाइन किया गया है और यहाँ पर टेंट लगे हुए हैं। टेंट में शायद एग्जीबिशन है, देखते हैं अभी क्या होता है। और देख सकते हैं वो गाड़ी कितनी मस्त गाड़ी लग रही है, शान से BMW की नकल करती हुई। हम इसी से बाहर जाए बस। हम लोग चेक इन करते हुए, सिक्योरिटी चेक इन देख सकते हैं। मैं भी इसी प्रक्रिया से जो गुजरूंगा, पकड़ो जी। तो ये देखते हैं, ये हम जाते हुए चेक इन के लिए, नहीं नहीं शायद ये चेक इन के लिए जाते हुए खुशबू मेरा भी डाल दें। सुनो बच्चा आएगा, इतनी एंट्री हुई आज कर दो। आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं सर, ताकि ये जो मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, स्कल्पचर बनाए गए हैं, वो ख़राब ना हो पाए। ओके गाइस, तो आप भी ध्यान रखें, सेफ्टी करें इनकी जब तक ये यहाँ पे है। ओके अरे भाई, तुम्हारे राजस्थान में ऊँट ही चलने हैं क्या अभी तक? हाँ भाई, हमारे राजस्थान में तुम ऊबर बुक करोगे तो ऊँट आएंगे भाई। शान है राजस्थान की, ऊँट हमारे यहाँ की शान है। और ये कठपुतलियाँ भी पाँच खींच देता हूँ, ऐसे ऐसे दबाता था ना। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, योग सेतु, ये हमारे भगवान श्री राम। देख सकते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। अरे वाह, इनके तो काफी लंबे पैर हैं, देख सकते हैं। अरे वाह 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 वाह, अरे अरे हो आनंद को बुलाते हुए, आनंद मिल गया हमें, ये आनंद मिल गया। देख सकते हैं ये हमें एक झांकी मिली है, जिसपे ऐसा लग रहा है कि लिपन, ये हमने ही बनाई है। ये हमें डाइट भी सिखाई गई थी, अभी वर्कशॉप हुई थी, हमें अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे आके बनाने के लिए, तो हमने यहाँ बनाया। ऊपर भी देख सकते हैं, वो भी हमने बनाया। ऊपर भी देख सकते हैं कितनी अच्छी झोपड़ी है, ऐसा एग्जीबिशन हमने अपनी डाइट में भी किया था। ऐसी झोपड़ी हम डाइट के बाद बनाएंगे। ये देख सकते हैं डिफेंस सेक्टर, DRDO। ये एक मंदिर, DRDO की मिसाइल्स दिखाई गई हैं, टैंक दिखाई गए हैं। यहाँ पे एक स्टूडियो किचन है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे शूटिंग हो रही है कि खाना कैसे बनाया जाता है। यू कैन सी हिमाचल प्रदेश का फूड, और देख सकते हैं यहाँ पे ये चीजें हैं। प्लीज थोड़ा साइड हो जाइए। अपना पानी भी भर के नहीं लाए, हम अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे पानी भर रहे हैं लोग, ये चाय पी रही है। जम्मू कश्मीर की झांकी के पास, और जिसमें दिखाया गया है वहाँ की ऐतिहासिक
चौक, लाल चौक जो शान से जिस पे अब तिरंगा लहर रहा है और लोग खुश हैं, देख सकते हैं काफी सुंदर। ये हमारा मुकुल देखिए कैसे देख रहा है फाड़ फाड़ के, पता नहीं इसे दिखता दिख भी रहा है नहीं दिख रहा, दूर का आंखें कमजोर है बेचारे की। निखिल इसे, निखिल इसे कुछ हेल्प करो देखने में। ये क्या है, ये तो ऐसा लग रहा है केसर रखा है और अंजलि की आंखें इस केसर पे उसे चुराने के लिए। केसर वहाँ पे बहुत होता है, वो भी नकली, बहुत ज्यादा केसर होता है केसर, देख नीचे आराम से आराम, केसर बहुत ज्यादा है। अरे खास है तो हरियाणा का ब्यूटी, हरी गाइस आप ये पेंटिंग देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे आके बनाई थी, तो आप देख सकते हैं हमने कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई है। दीपाली जी ने भी हेल्प करी थी, अंजलि भी इस पेंटिंग सारा कलर बहुत सुंदर थी ये, हमने बहुत मेहनत लगाई, बहुत दिन लगे इस पेंटिंग को बनाने के लिए। मिलते हैं गाइस आखिरकार 26 जनवरी को हमने इसे प्रेजेंट किया। तो आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे नहीं आए हैं रेड फोर्ट पे देखने के लिए इस झांकियों को, ये राजस्थान को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है गाइस मिलते हैं गाइस। गाइस देख सकते हैं ये ओडिशा की है और ये यूपीआई यहाँ पे लगाया हुआ है, इसे यूपीआई कह रहे हैं और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपना। चलिए आगे चलते हैं, अब देख सकते हैं यहाँ पे काफी अच्छी अच्छी झांकियाँ, इधर देख सकते हैं इसमें मिलेट्स को दिखाया गया है। ये कौन सी स्टेट की है, ये मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश जैसे कि जाना जाता है अनाजों का प्रदेश। और अभी अभी हम कहे थे हमने दूसरा ब्लॉग से डाला था, आपको पता ही है ये वही उसी की झांकी, बहुत ही अच्छी लग रही है। देख सकते हैं मणिपुर की झांकी जिसमें एक महल सा दिखाया गया है या कहीं घर सा दिखाया गया है जिसकी लोग फोटो खींचते हुए, और ये हमारी देश की लड़की मध्य प्रदेश जिसमें फाइटर प्लेन उड़ाती हुई वो। कर्नाटका की देवी है, हमारे बिहार का तो कोई मिला ही नहीं। छोटू है तो बन जाएगा जो। मेरे लिए टोपी जैसे ठीक है अरे भाई राजस्थान का है, हमारा बिहार का कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बिहार के मौसा है, मौसा का स्टैचू बनना चाहिए लालू का। राष्ट्र निर्माण पहले आगे, ये राष्ट्र निर्माण पहले भी अब भी आगे भी और हमेशा। ये डबल दूसरी एंट्री, शायद कितनी सारी एंट्री है देख सकते हैं, लोग रॉन्ग एंट्री में घुसते हुए उसके बाद वो राइट एंट्री में गए। डिफरेंट इंडियन रेलवे केटरिंग एंड IRCTC का ये स्टॉल है, खाना देख लेते हैं क्या है। डोसा है, छोटा मोटा स्नैक्स देख सकते हैं, इंडियन कुलिनरी इंस्टीट्यूट यहाँ पे कुछ डिफरेंट फूड्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। समोसे भी हैं, मेरे फेवरेट समोसे देख सकते हैं, काफ़ी फॉरेनर भी यहाँ पे आए हुए हैं। असम, असम का फूड, असम के फूड में मैं देख पा रहा हूँ छोले भटूरे दिख रहे हैं। इनक्रेडिबल इंडिया, डिफरेंट फूड, देयर डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड एंड वी कैन से दैट ऑल ओवर इंडिया फूड आर अवेलेबल हियर, यू कैन सी एंड यू कैन कम हियर टू चेक डिफरेंट टाइप ऑफ फूड हियर। राजस्थानी डांस है।
एंट्री करेंगे अभी आएगा। ये कौन सा गेट है? ये देख सकते हो आनंद भाई के लिए टोप रखी है, आनंद भाई को इसमें बैठा के हाँ। सीधा पहले मैं कश्मीर गेट पहुंचा देंगे, इसी टोप को मैं पहले चलाता था, देंगे मॉडल टाउन हाँ। मैं पहले ट्रेवल करता था, इतना ऊंचा देख सकते हैं हम लाल किले के अंदर घूमते हुए, काफी फॉरिनर यहाँ पे, काफी टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आए हुए हैं, ये देख सकते हैं काफी अच्छा माहौल शांति से भरा हुआ। देखते हैं आगे क्या है यहाँ पे। अभी अभी हम छत्ता बाजार से आए रहे हैं, जिसमें जो रानी होती थी वो अपने सजावट के लिए सामान लेने के लिए आती थी। देख सकते हैं कितना सुंदर माहौल, आप देख सकते हो। अभी हम एक बाजार से आए हैं जिसकी जिसके ऊपर छत थी, जिसमें जो शाहजहाँ की बीवी थी और उसकी अलग सेविकाएं थी, उनकी जो साज सजावट के लिए जो सामान चाहिए होता था वो यहाँ पे खरीदने के लिए आती थी, खरीदने के लिए नहीं बेचने के लिए आती थी, खरीदने के लिए आती, खरीदने के लिए। ये देख सकते हैं पानी जैसी चाय, 50 रुपए की चाय। सॉरी, हमारी लाइन ये पुरुष वाली है, बस बंद यहाँ पे कैमरा बंद, चेक इन हो चुका है। ये देखिए ये अंदर चेक इन करके आके आ गई है, ये पास लेने के लिए पांडू से दीपांडू नाम रख दिया जाए, लाल किले पे आ गए हम फाइनली। से एंट्री लेते हुए लाल किले के मुख्य परिसर के अंदर, अब हम खाने की जो एग्जीबिशन थी उसे देख के आ चुके हैं, जिसमें हमने अलग अलग राज्यों के फूड देखे। अब हम देखेंगे अंदर भारत पर्व में क्या सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसकी एंट्री हो चुकी है, निःशुल्क एंट्री है। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा इसका कैंपस है, शायद हम लोग पहली बार आए हैं दोस्तों। तो हम आ गए हैं लाल किला, यहाँ पर एक्चुअली में टिकट होता है लेकिन आज फ्री कर दिया है 23 से 26 जनवरी तक। और ये जो गेट आप सामने देख रहे हो, ये पीछे लड़कियों के ये जो नाच रही हैं, ठीक है, ये है एक दिल्ली गेट, ठीक है, दिल्ली गेट है। और इसका जो मेन गेट है वो है लाहौरी दरवाजा, जो कि इसके जस्ट पीछे है। क्यों पेल रहा है कोई तरह ज्ञान के? दोनों लिलीपुटर पेप्सी फोटो खींच रही इस मुकुल का, बिल्डिंग काफी अच्छी है, यहाँ पे लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, देख सकते हैं कितनी सुंदर लड़की हैं, देखो आपने कभी नहीं देखी होगी। दादी जी अपनी शादी के लिए
दासी के साथ शॉपिंग करना है। दासी के लिए दासी के साथ शॉपिंग करते हुए महारानी के पास सिर्फ 50 उसकी महारानी ने चाय पी ली है आज हम देखते हैं कहाँ जाएंगी। देखिए सुंदर लड़की है, बहुत सुंदर है और मुकुल उनके पीछे पीछे मुकुल देख गया ओवरटेक लेते हुए और आगे निकल चुका है। सकते हैं छोटी अंजलि जो उसका ज्ञान जो है वो फेल हो चुका है, ओवरफ्लो हो गया क्योंकि मैंने देखा है जोधा अकबर का यूजर अभी याद आ रहा है, इसलिए सीरियल सही नहीं होते, उनको नहीं देखना चाहिए। आप देख सकते हैं रियलिटी ये है कि इसे ये नहीं पता रानी बेचने की करी रानी ये करी रानी सामान बेचने के लिए आती है, हकीकत यह है रानी सामान खरीदने के लिए आती थी। देख सकते हैं पीछे म्यूजियम है और ये पीछे अरे शहजादी जी आ गई हैं लाल किले में। आज तो मैं दीवाने आम दिखाते हैं, चलिए दीवाने आम देख के आते हैं। चलिए गाइस देख सकते हैं लोग नौबत खाने को देखकर पागल हो चुके हैं और सेल्फी पे सेल्फी लिए जा रहे हैं, फोटो खींचे जा रहे हैं। अब हम अंदर चलते हैं, इन्हें छोड़ देते हैं पीछे। मेरे फोटो ले ले यार कोई तो। ये देख सकते हैं काफी अच्छा माहौल पीछे, आप देख सकते हैं काफी अच्छा है। चलते हैं इसके अंदर, ये नौबत खाना है जिसका रिनोवेशन हो रहा है। आप मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो होता था एंटरटेनमेंट के लिए इसे यूज़ करते थे मनोरंजन के लिए,